हेलो एवरीवन, आज का हमारा पहला चैप्टर, इसके हम कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। तो इसमें हमारे लास्ट लेसन का जो ऑथर है वह है अल्फोंसो डॉडेट। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ये यहाँ पर गलत जवाब हैं सारे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, अल्फोंसो डॉडेट वाज फ्रॉम विच कंट्री। अल्फोंसो डॉडेट कौन से देश से था? तो ये जो देश है इसका है फ्रांस से था, याद रखने की ज़रूरत है इस क्वेश्चन को। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी। द लास्ट लेसन कौन सी ह्यूमन टेंडेंसी को हाईलाइट करता है, यह हमारा प्रश्न है। इसमें हमारा सही जवाब है प्रोक्रेस्टिनेशन को यह बताता है। और यहाँ पर ये तीनों जो हैं रॉन्ग आंसर्स हैं, तो हमारा सही जवाब है प्रोक्रेस्टिनेशन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है, व्हाट वर द थिंग्स बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड बाय द पीपल ऑफ एलसेस। एलसेस के लोगों के द्वारा कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो ग्रांटेड ली जाती थी? तो इसमें इस क्वेश्चन का सही आंसर है टाइम एंड स्कूल, ये वाला इसका सही जवाब है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, व्हाट इज़ द लास्ट लेसन सिंबलाइज। लास्ट लेसन किसे बताता है, किस बात का सिंबल है ये? तो लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम का सिंबल है। ये हमारा सही आंसर है, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न आता है, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिग्निफाई। चेंज इन लाइफ, सही जवाब है चेंज इन लाइफ। किसे सिग्निफाई करता है ये चैप्टर? चेंज इन लाइफ। प्रश्न है, व्हाट डू द मार्चिंग सोल्जर्स अंडर द विंडोज रिप्रेजेंट। इसका सही जवाब है द डॉन ऑफ पर्शिया इन द डिफीट ऑफ फ्रेंच पीपल, ये वाला इसका सही आंसर है। ये सारे आंसर्स आप अपने नोटबुक में अपने लिख करके याद भी कर सकते हो। और आपको जो भी प्रश्न नहीं आता है वो से मुझे आप वहाँ कमेंट सेक्शन में भी पूछ करके अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हो। और फिर हमारा क्वेश्चन आ रहा है, फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर्स कम टू टीच ओनली जर्मन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ एलसेस एलोरेन। इसका हमारा सही जवाब है बर्लिन। ये तीनों गलत हैं और सही जो है वो ये है। उसके बाद हमारा प्रश्न आता है, व्हाट डज इफेक्ट्स दिस स्टोरी स्पीक्स अबाउट। इसमें हमारा सही जवाब है ट्रांजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाई वाज फ्रेंच रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल। फ्रेंच स्कूल जाने के लिए क्यों रिलक्टेंट था? तो इसका सही जवाब है लेसन ऑन पार्टिसिपल्स वाज नॉट प्रिपेयर्ड। उसने पार्टिसिपल्स के लेसन जो थे वो तैयार नहीं कर रखे थे, इसलिए वो स्कूल नहीं जाना चाह रहा था। और उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट डिड फ्रेंच फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल। स्कूल पहुंच करके उसने क्या देखा, क्या पाया? उसने देखा कि वहाँ पर स्ट्रेंज क्वाइटनेस है। ये सही जवाब है इसका। उसके बाद हमारा प्रश्न आता है, हु ऑक्यूपाइड द बैक बेंचेज इन द क्लास। बैक बेंचेज किसने ऑक्यूपाई कर रखे थे? विलेज एल्डर्स ने। व्हाई वाज फ्रेंच सरप्राइज्ड। फ्रेंच सरप्राइज क्यों था? बिकॉज ऑफ एमएमएस काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर ही वाज सरप्राइज्ड। क्वेश्चन है, व्हाई वाज फ्रेंच फीलिंग रिग्रेटफुल एंड सैड। वो रिग्रेटफुल क्यों फील कर रहा था? फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग। उसे अपनी मदर टंग नहीं आती थी, इसलिए वो रिग्रेटफुल फील कर रहा था। क्वेश्चन है, होम डिड मे एम हेमेल ब्लेम फॉर नॉट सेंडिंग स्टूडेंट्स टू स्कूल। पेरेंट्स को वो ब्लेम कर रहे थे, किस लिए ब्लेम कर रहे थे? नॉट सेंडिंग स्टूडेंट्स टू स्कूल। एम हेमेल पेरेंट्स को ये बात कह रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट डिड हाउजर ब्रिंग। हाउजर क्या लेकर के आया? ओल्ड प्राइमर लेकर के आया। क्वेश्चन है, फॉर
हाउ मैनी ईयर्स डिड एम एम एस सर्व द स्कूल? 40 ईयर्स उन्होंने स्कूल की सर्विसेज की थी, तो 40 ईयर्स यहाँ पर हमारा सही आंसर है। उसके बाद वेयर डिड द पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रेन? पेरेंट्स अपने बच्चों को कहाँ भेज देते हैं? फार्म्स एंड मिल्स। क्वेश्चन है वाई वर द पेरेंट्स सेंडिंग देयर चिल्ड्रेन टू द फार्म्स एंड मिल्स टू अर्न मनी? पैसे कमाने के लिए वो बच्चों को फार्म्स एंड मिल्स में भेज देते हैं। ये क्वेश्चन ज़रूर आपको याद रखना है कि बच्चों को कहाँ भेजा जाता, किस लिए भेजा जाता है? पैसे कमाने के लिए। क्वेश्चन आ रहा है हमारा वाई डिड द विलेजर्स कम टू मीट एम एम एल इन द स्कूल? विलेजर्स एम एम एल से मिलने क्यों आते हैं, क्यों स्कूल में वो उससे मिलने आया करते हैं? तो टू शो ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड के लिए वो यहाँ आते हैं एम एम एल से मिलने के लिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वाई डिड मिस्टर एम एम एल कॉल द फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटीफुल? उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को मोस्ट ब्यूटीफुल क्यों कहा है? बिकॉज इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल, इसलिए उन्होंने उसे ब्यूटीफुल कहा है। क्वेश्चन आ रहा है वाट वॉज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर फॉर एट स्कूल दैट डे? इसका हमारा आंसर है पार्टिसिपल्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ रहा है व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड व्हाट की डू दे हैव टू द प्रिजन अकॉर्डिंग टू एम एम एल? मदर टंग। क्वेश्चन आ रहा है व्हाट डिड फ्रेंड नोटिस दैट वाज अनयूजुअल दैट डे? अनयूजुअल क्या था उस दिन? क्वाइटनेस इन द स्कूल, चुप्पी जो थी वहाँ पर, स्कूल में चुप्पी छाई हुई थी, क्वाइटनेस थी, तो वो उसे अनयूजुअल लग रही थी, कुछ असामान्य परिस्थितियाँ उसे दिखाई दे रही थी। क्वेश्चन आ रहा है व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड दैट डे? बुलेटिन बोर्ड पर उस दिन क्या लिखा गया था? टीच ओनली जर्मन। प्रश्न है व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फॉर्म बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे? इसका सही जवाब है स्टेंज क्वाइटनेस एंड सैडनेस। क्वेश्चन है व्हाट चेंज्ड फ्रेंड्स फीलिंग्स अबाउट एम एम एल एंड स्कूल? ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन। क्वेश्चन है व्हाट मेड फ्रेंच एंड द पीपल रियलाइज अबाउट द प्रीशियसनेस ऑफ देयर मदर टंग? सडन ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन। क्वेश्चन है व्हाट डिड मिस्टर हैमिल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल? न्यू नोटबुक्स। क्वेश्चन है द लास्ट लेसन स्टोरी वाज रिटन इन विच ईयर? 1872-1871। क्वेश्चन इज डोंट गो सो फास्ट यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम मीन्स अर्ली इनफ। क्वेश्चन इज व्हाट वाज देयर इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या था? ए क्राउड। क्वेश्चन है What bad news used to come from the bulletin board? All of these. Lost waters, the draft, orders of commanding officers. ये सारे सही हैं। क्वेश्चन है Which language would the students study from the next day? German language. क्वेश्चन है What does the expression in great dread of scolding mean? The answer is very badly scared of scolding. Question is why was French was shocked to see M. Hamel? Because of his formal dress. Question hai what attitude of M. Hamel surprised French? French ke kaun se we have say M. Hamel surprise hue the? Question 39 jo hai uska sahi answer hai soft and kind. Question है who was M. Hamel? M. Hamel language teacher है यहाँ पर French के, तो ये हमारा
आज हमने इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखे। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि सभी सब्जेक्ट्स के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाए जा सकें। यदि इससे संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।